हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट फ्लेवर के मोदक। गणपति आने वाले हैं, गणपति के लिए भोग चाहिए और मोदक गणपति जी को बहुत पसंद है। और रोज अलग अलग फ्लेवर के मोदक चढ़ाएंगे तो गणपति जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। बच्चों को पसंद होते हैं गणेश जी और गणेश जी की पसंद होती है बच्चे, तो बच्चों की पसंद है चॉकलेट, इसलिए हमने बनाया है चॉकलेट मोदक। आज हम बनाने वाले हैं एक डिफरेंट तरीके की मिठाई। अब आप सोचेंगे ये ओरियो और काजू का क्या कंट्रास्ट है, वही तो ट्विस्ट है। हमने लिए हैं 10 ओरियो और ये 100 ग्राम काजू लिया है। अब इतने कम सामान से हम आधा किलो मिठाई बनाने वाले हैं। सिर्फ 100 ग्राम काजू से आप सोचिए आधा किलो मिठाई बनेगी, वो भी इतने कम खर्चे पे। हम इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। ओरियो और काजू को दोनों का फाइन सा पाउडर बना दिया है। आप देख सकते हैं कितना फाइन सा पाउडर बन गया है। इसी तरह से फाइन सा पाउडर बनाना है। मैंने एक पैन रखा है और मैंने ये 100 ग्राम शक्कर ली है। और वेट में देखेंगे जिस कप से मैंने काजू मेजर किया था उसके तीसरा हिस्सा, 2 हिस्सा शक्कर, 1 हिस्सा हमें खाली छोड़ देना है। उसे हमें पैन में डाल देना है और हम इसमें डालेंगे मात्र 4 चम्मच पानी। हमें पानी की ज़्यादा नीड नहीं है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। हमारे इस वीडियो के आई बटन में आप इलायची पाउडर का वीडियो देख सकते हैं। इसे कंटिन्यू चलाना है जब तक हमारी शक्कर गल नहीं जाती है। हमारी चाशनी है वो बनके तैयार हो गई है। शक्कर अच्छी घुलने, पानी कम डालते हैं तो हमारी चाशनी बहुत अच्छी और जल्दी बनती है। आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें पिसे हुए काजू डाल देंगे और साथ साथ में पिसे हुए ओरियो को भी मिक्स कर देना है। हमें आंच कम करके दोनों चीज़ों को अच्छे से पैन में मिक्स करना है ताकि कहीं लम्स ना पड़ जाए। जैसे ही हम कंटिन्यू इसे घुमाते जा रहे हैं, हमारा डो है वो गाढ़ा होता जा रहा है और पैन भी साथ साथ छोड़ता जा रहा है। हमें 2 मिनट तक ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए मेरा डो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और ऑफ करने के बाद भी हमें कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना है जब तक हमारा डो ठंडा नहीं हो जाता है और जब तक हमारा बर्तन गर्म है, नहीं तो नीचे बैठ जाता है कढ़ाई में और जलने की स्मेल आती है। इसलिए हमें ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए हमारा जो डो है वो अच्छा सा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद इतना टाइट सा डो बन जाएगा। आप सोचेंगे तो टाइट कैसे? ठंडा होने के बाद जो बिस्किट होता है वो जितना मॉइस्चर होता है वो अपनी तरफ सोख लेता है और एक डो का रूप ले लेता है। फिर मैंने मोल्ड लिया है, मोल्ड में मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। मोल्ड को हमें पैक कर देना है और हाथ के सहारे से ऐसा डालते जाना है और नीचे की तरफ से थंब के सहारे से हमें प्रेस करते जाना है। फिर डो डालते जाना है और हमें थंब के सहारे से प्रेस करते जाना है। इसी पूरा फिल कर देना है और उंगली से या थंब से इसे इक्वल कर देना है। और आप देखिए मैंने अच्छे से इसको फिल कर दिया है। अच्छे से प्रेस कीजिएगा, नहीं तो अंदर से खोखला बन जाएगा। और अब हमें मोल्ड को खोल के और मोदक को बाहर निकाल देना है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर और शाइनी हमारा मोदक बना है। देखिए मेरे चॉकलेट मोदक बनके तैयार हो गए हैं। इसे आप अपने घर पे बनाइए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।